स्पष्ट देखने वन है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन में। हाँ तो देखिएगा, फर्स्ट है आपका, अगर फोर एक फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन है आपका, ए अक्स स्क्वायर प्लस बी अक्स प्लस सी। ध्यान से सुनिएगा, इसके पार्टीशन बना देता हूँ मैं। ए है एक, कि इफ आपका एक ए पॉजिटिव हो, जो आपका लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट हाँ, ए क्या है आपका लीडिंग कोफिशिएंट, वो अगर ग्रेटर देन 0 हो, बी आपका इफ ए लेस देन 0। अच्छा, ग्रेटर देन 0 होता है तो कौन से कहानियां होती हैं, ये सारी बातें हम देखने वाले हैं। कि ग्राफ विल बी अपवर्ड पैराबोला। बेटा, जब आपका ए ग्रेटर देन 0 हो तो ग्राफ आपका अपवर्ड पैराबोला होगा, और अगर आपका लेस देन 0 हो तो ग्राफ विल बी डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला, हाँ जी, पैराबोला क्या होता है ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में बता दिया जाएगा। हाँ जी, जो आपका कॉनिक सेक्शन आता है उसमें सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। पैराबोला क्या होता है, अपवर्ड क्या होता है, ये मैं यहाँ भी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा जितना आपके समझ में आ जाए, है ना। अपवर्ड पैराबोला की बात करते हो तो ऐसा पैराबोला होता है, और डाउनवर्ड पैराबोला की बात करते हो तो ऐसा होता है। ये होता क्या है, ये भी सारी बातें कर ली जाएगी, ये होता क्या है, ये भी सारी बातें कर ली जाती है। लेकिन एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप। हाँ जी, एग्जाम्पल देखिएगा कि कोई फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 7x-3, और दूसरा एग्जाम्पल है आपका एक फंक्शन ले लेते हैं, यही फंक्शन है, माइनस लगा देते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 7। हाँ जी, प्लस 7। अच्छा, मेरे को एक बात बता दीजिएगा आप यही, कि इसका जो ए है लीडिंग कोफिशियंट ए है, वो क्या है, प्लस 3 है, प्लस 3 का मतलब पॉजिटिव है। अगर ए पॉजिटिव है, ए ग्रेटर देन 0 है, तो ये कौन सा पैराबोला होगा आपका, अपवर्ड, और इसमें जो ए है आपका लीडिंग कोफिशिएंट है ए, वो है -1। -1 है तो क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव है मतलब लेस देन 0 है, और लेस देन 0 होते ही कौन सा पैराबोला आ जाएगा, डाउनवर्ड। बेसिक बेसिक बातें हमने की हैं, और इनमें हमें क्या देखने वाले हैं, ये अपवर्ड सर कैसे पता चलेगा, इसका पीक पॉइंट क्या होगा, कॉन्वेक्टिविटी क्या होगी इसकी, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, कोई भी चीज, अच्छा, इसकी इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसकी कॉन्वेक्टिविटी की बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इसका। अच्छा, आपको इतना बता दीजिएगा, dy/dx फिजिक्स में करवा दिया क्या, डिफरेंशिएशन कैसे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन फिजिक्स में हो गया आपका, अगर हो गया तो बताइएगा वरना मैं बताता हूँ आपको। डिफरेंशिएशन हो गया सभी बच्चों का, डेरिवेटिव हो गया है ना फिजिक्स में, बेसिक सही ही करना है हमें, ज्यादा कोई हार्ड नहीं करना है। हाँ, हो गया है तो सभी बच्चे यस टाइप कीजिएगा एक बार, हो गया है तो सभी बच्चे यस टाइप कीजिएगा कि हाँ जी सर, हो गए हैं। अच्छा, तो मेरे साथ साथ बोलिएगा कि इस फंक्शन का dy/dx क्या होगा, इस फंक्शन का dy/dx हो जाएगा 6x+7। हाँ
हाँ जी हो गया। ओके अच्छा, इसका डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? डबल डेरिवेटिव बोला जाता है इसको। डबल डेरिवेटिव का मतलब बेटा इस फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव करना। दुनिया वाले इसको ऐसे लिखते हैं, डी एफ ऑन डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स। हाँ जी, इस फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो 6 आएगा, जो पॉजिटिव है, जो क्या है, पॉजिटिव है। और बेटा पॉजिटिव जिस दिन डी स्क्वायर बाई डी एक्स आ जाए उस दिन आपका पैराबोला अपवर्ड होगा और उस कॉनकेविटी अप होगी। इसको कॉनकेविटी अप बोलते हैं। हाँ जी अच्छा, एक बार इसका बता दीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स। सभी बच्चों को क्लियर है ये सारी चीजें? हाँ जी, आप बोलिएगा बेटा, आप बोलोगे तो मैं लिखूंगा। हाँ जी, माइनस का 2x प्लस का 3। अच्छा, इसका डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर देखेंगे। अच्छा, 12th वाले और टारगेट वाले बच्चों का तो क्लियर है ना सभी का? 11th वालों का हो गया है? ओके ओके चलो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2। माइनस का 2 देखते हैं आपके मन में आएगा कि सर ये नेगेटिव है तो इसकी कॉनकेविटी डाउन हो जाएगी, तो इसका डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा जिसको बोलते हैं हम। हाँ जी, यहां तक आपके कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सभी बच्चों को कोई समस्या नहीं है तो फिर से यस टाइप कीजिएगा कि यस सर हमारी कोई समस्या नहीं है। हाँ जी, क्लियर करते हैं, जो बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है एक बार देख लीजिएगा। हाँ जी, जल्दी उतारिएगा और जल्दी चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। ठीक है भाई, क्लियर है सभी के? क्लियर है तो चलते हैं आगे। हाँ बेटा, सेकंड नंबर देखते हैं, इसमें लिखा है वेक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। वेक्टर नहीं बेटा, ये वर्टेक्स है, टाइप करने में गलती हुई है थोड़ी सी, तो इसको थोड़ा सा टाइप कर लेते हैं कि वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। सर वर्टेक्स किसको बोलते हैं, जो आपका पैराबोला होता है उसका पीक पॉइंट बोला जाता है। जैसे ये आपका अपवर्ड पैराबोला है, ये आपका डाउनवर्ड पैराबोला है, तो जो अपवर्ड पैराबोला है उसका नीचे वाला पॉइंट, सबसे नीचे वाला पॉइंट, पीक पॉइंट सबसे नीचे वाला पॉइंट, और जो डाउनवर्ड है उसका सबसे ऊपर वाला पॉइंट है ना, इनको बोला जाता है वर्टेक्स। ये क्या है आपका, वर्टेक्स है, और ये आपका वर्टेक्स है। वर्टेक्स सर क्यों, आपको वर्टेक्स की जरूरी कहाँ से पड़ी? तो मैंने बोलूंगा, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि वर्टेक्स की जरूरी हमें इसलिए पड़ी है क्योंकि जब पैराबोला बनाएंगे तो उसका बेस क्या होगा, कहाँ से पैराबोला स्टार्ट होगा। ऐसे थोड़े ना ध्यान से देखिएगा, इस पे देखिएगा, यहाँ से थोड़े ना है कि ये पैराबोला यहाँ से ही जाएगा, इसका बॉटम ये है, इसका पीक पॉइंट ये है, इसको पीक पॉइंट भी बोला जाता है, पीक पॉइंट है ना। ये थोड़े ना बेटा कि यहाँ से ही ऊपर जाएगा है ना, हो सकता है आपका फंक्शन चेंज हो तो यहाँ से भी चला जाए, हो सकता है यहाँ से भी चला जाए, तो इन जो ये इसका बॉटम है इसको वर्टेक्स बोला जाता है। और ये वर्टेक्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये रखता है भाई कि इसका बॉटम कहाँ है। हाँ जी, तो इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसकी कुछ चीजें हैं जो इसको 3 तरीके से हम देखेंगे। पहला देखना है आपको, ये देखना है, फाइंड करना है आपको। पहला काम करना है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, पहला काम करना है आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। दूसरा काम करना है आपको डी वाई बाई डी एक्स को 0 करना है, फाइंड करके जो डी वाई बाई डी एक्स हमने यहाँ निकाला था, ये डी वाई बाई डी एक्स है, इसको 0 के इक्वल करना है, मतलब इसको 0 के इक्वल करना है। अच्छा, आप 0 के इक्वल करते ही यहाँ से x की वैल्यू आएगी,
यहाँ से क्या आएगा, अक्स आएगा, हम करते हैं, ये आपका मेथड है ना, इसको जीरो कर दिया, और जीरो करते हैं आपको क्या करना है, यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी, तो फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, थर्ड नंबर की बात, एंड लास्ट पुट है ना वैल्यू ऑफ एक्स इन क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड फाइंड वाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात है थर्ड वाली, कि जहां से आपने सेकंड पॉइंट से आपने अक्ष निकाला, अक्ष आपने निकाला, वो अक्ष आपको उस जो क्वाड्रेटिक फंक्शन था, क्वाड्रेटिक फंक्शन ये वाला, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन आपका, क्वाड्रेटिक फंक्शन, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन में अक्स पुट करने हैं जहां जा, तो वहां से क्या आ जाएगी, वाई आ जाएगा, वो वर्टेक्स हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे छोटी बड़ी बातें नहीं है, है ना। यहां से फिर आपके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे आपको ना, इन तीनों पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से आपको अक्स कोमा वाई मिल जाएगा, जिसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट और जैसे ऑफ वर्टेक्स। हाँ जी, यहां से आपको एक्स और वाई मिल जाएगा, पहले तो डीवाई बाई डी एक्स करना है, उसके बाद डीवाई बाई डी एक्स को जीरो के इक्वल पुट करना है, वहां से एक्स की वैल्यू मिलेगी, एक्स की वैल्यू फंक्शन में रखनी है, वहां से आपको मिल जाएगा वाई, और एक्स और वाई दोनों मिलते ही कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे वर्टेक्स के। तो एक रिमार्क और बता देता हूँ आपको, वही ही बात बताता हूँ जो मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से एक रिमार्क डलवाता हूँ आपको, इम्पोर्टेंट रिमार्क है जो आपको, चलो ऐसे देख लेते हैं रिमार्क, है ना। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, आपके पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ जी सर, ये तो क्वाड्रेटिक फंक्शन, अरे उसके टेंशन मत करो, अभी जो बात हम करने वाले हैं, पहले काम है हमारा dy बाई डी एक्स ज्ञात करना, वो हो जाए इसका टू ए एक्स प्लस बी, पहला काम हो गया है। दूसरा काम इसका डबल डेरिवेटिव ज्ञात करना, डी स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा टू ए। अच्छा ए तो आपका ऑलरेडी पॉजिटिव है, और सॉरी टू तो आपका ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है। बात करते हैं ए की, अगर आपका ए पॉजिटिव हुआ, अगर आपका ए पॉजिटिव हुआ, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका ए पॉजिटिव हुआ तो आपका अपवर्ड पैराबोला होगा। हाँ, अब हम डायरेक्ट ही देख लेंगे कि डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। अगर आपका ए पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड होगा, अगर आपका ए नेगेटिव हुआ तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो आपका क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। इंपॉर्टेंट बात है। अब हम क्वाड्रेटिक जो फंक्शन है या इक्वेशन है उसको डायरेक्ट देख के बोल सकते हैं कि भाई ये अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो ये कहाँ से पता चलेगा, ए पे। ये सारा खेल कहाँ डिपेंड करता है, ए पे।